दोस्तों नमस्कार, मैं अवनीश यादव। 69,000 शिक्षक भर्ती का खुमार उतर गया होगा, जैसा कि देख रहे हैं। कल से सब लोग तैयारी उधर ही कर रहे थे। बुलाया जाता था कि भैया धरने पर आ जाओ, तब कोई धरने पर नहीं आता था। अब वही है कि जब बुखार खत्म हुआ है तब सब लोग जाग रहे हैं धीरे धीरे। अब फड़फड़ाहट हो रही है और यही काश ये फड़फड़ाहट सबको पहले थोड़ी सो गई होती तो आज दिन कुछ और होते हैं। आज ये नहीं सोचना पड़ता कि कहाँ गया भारंग हमारा, कहाँ का गया, कहाँ क्या गया। 8,500 तक निपटी हुई होती, बवाल खत्म हुआ होता। बहरहाल छोड़िए इन चीजों को। कल 10 तारीख है, कल 45 नंबर डेली काई लिस्ट में, 23 नंबर कोर्ट में अपना केस लगा हुआ है। राजेश सिंह चौहान साहब जज साहब हैं। कल हमारे वकीलों का पूरा पैनल कोर्ट में मौजूद रहेगा और केस मेंशन कराने की हर संभव कोशिश की जाएगी और जहां तक उम्मीद है केस मेंशन भी होगा। भगवान से दुआ करिए टेकअप हो जाए, बहस हो, कुछ मिले आपको। टीम के कुछ लोग जो है आज देख रहे हैं फेसबुक पे डाल रहे हैं कि पास हो गए पास हो गए। भैया मैं फेल हूं, मैं हूं 89 नंबर पा के लटका पड़ा हूं। परेशान ना रही, हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारी लीगल टीम के अधिकतर साथी फेल हैं। एक दो लोग पास हुए अलग की बात है, तो जो मेहनती है किसी का दिमाग आप निकाल के निचोड़ के रख नहीं लोगे। और ये सीधी सीधी बात है, एक आध दो लोग पास नहीं होते तो टीम चलती नहीं और ना ही आपका केस आज इस मुकाम पर पहुंचता, क्योंकि बुद्धिमान लोग थे तब आज आप यहां पर हो। सच्चाई इसकी यही है। तो बहरहाल जिससे आपको मतलब, मुझसे मतलब, मैं फेल हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी सी बात है। रही बात फेल पास होने कोई मतलब भी नहीं है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, फेल पास जमीर मेरा बता हुआ है 30-33 में, 68,500 में लगा हुआ है सब कुछ, लाभ खाया हूं, जेल में बंद हुआ हूं, चोरों से बदतर स्थिति कर दी गई थी हम लोगों की, वो नहीं मैं भूल सकता। सब कुछ भूल जाऊंगा, कहां भूल सकता हूं। याद आज भी मुझे आता है मंजर वो सिविल हॉस्पिटल का, जब सर फोड़ फोड़ के लोगों को भर्ती कराया गया था, आज भी ध्यान आता हूं, रूह कांप जाती है सोच सोच। बहरहाल जिन लोगों का हुआ उनको मुबारकबाद और जिनका नहीं हुआ है, भैया अपना दरवाजा अभी खुला है, आ जाओ, वापस आ जाओ, सब लोग आओ, फिर से एक संघर्ष की नई दास्तान लिखेंगे। सब लोग आओ, लड़ेंगे, अपना हक छीनेंगे। सीधी सीधी बात है, हमें हमारा हक चाहिए, सीधी बात है। ये सीटें 30,000 जो बची हैं किसी भी कीमत पर रिक्त नहीं होनी चाहिए, यही एकमात्र उद्देश्य हमारा है और यही हमें लक्ष्य मिलेगा भी, हमें कन्फर्म है। आज तो सुनवाई नहीं हो पा रही थी, अभी तक नहीं हो पा रही थी, नहीं हुई है, हमें इतना विश्वास है कि जिस दिन सुनवाई होगी आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब तक तो सरकार का काउंटर आपके पक्ष में नहीं था, तो काउंटर भी आपके पक्ष में आ गया है, ये सबसे बड़ी राहत वाली बात है। और एक चीज, हाँ, आप बहुत सारे लोग बार बार फोन कर रहे हैं कि भैया याची बना लीजिए, याची बना लीजिए। बोला गया था, पहले भी आप लोग बताया गया था, मैं बोला था कि अभी आखिरी बार बना रहे हैं, अब इसके बाद नहीं बनाया जाएगा। तो बहरहाल रैली हो गई, तो रैली के चक्कर में छोड़ दिया गया कि रैली करनी है और तमाम चीजें उस समय छोड़ दिया गया था, नहीं बनाया गया था लोगों को। जो लोग छूटे थे उनके लिए विशेष करके है और जो लोग बनना चाहते हैं याची, आप लोगों के लिए बता दिया जा रहा है कि 11 तारीख को याची जनेश्वर मिश्र पार्क में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बनाया जाएगा। जिसको याची बनना है, आखिरी मौका है, इसके बाद मेरे द्वारा कोई भी याची नहीं बनाया जाएगा। तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, चाहे मेरे जितने भी खास आप हों, मैं बार बार ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बार बार नहीं कर पाऊंगा कि आके दो लोगों को ले जाके एक रेट डाल के, चार लोगों के एक रेट डाल के, मेरे बस का नहीं है सब है। जिनको बनना हो, जिनको मुझसे जुड़ना हो, आके जुड़ जाए, ये बार बार की नौटंकी मेरे बस की नहीं है। दिक्कत होती है भाई, जवाब देना पड़ता है, कुछ है लोग जिनको आरोप लगाने में मतलब तनिक भी देरी नहीं होगी आरोप लगाने में, उनको लगता है दुकान खोल के बैठ गए, तो ये हमारा धंधा नहीं है। हमें याची की जरूरत अपने हक के लिए, अधिकार के लिए थी, है, रहेगी। बनाया गया, जो 538 लोग मुझसे जुड़े हैं उनका, उनके अधिकार के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। और मेरा मूल टारगेट 538 लोग होते हैं कि जिनको मुझे हर हाल में संरक्षित सुरक्षित करके चलना है। बाकी की चीजों से मुझे ज्यादा मतलब नहीं होता है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, चाहता हूं सब कुछ सबका हो जाए, लेकिन उसी हद तक जिस हद तक हमारे याची सुरक्षित हैं। सीधी सीधी बात है, जिनको बनना हो, आखिरी बार मैं बता रहा हूं, 11 तारीख सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में जनेश्वर मिश्र पार्क में हमारी टीम वहां मिलेगी, आके बन जाइए, इसके बाद मैं मौका नहीं दूंगा, ना मैं बनाऊंगा।
जिनको इसके बाद बनाना होगा बनाते रहेंगे, जिनको जो करना करते रहेंगे, मुझसे मतलब नहीं है। और रही बात जो अभी काफी लोग का और आ गया है कल, जो मतलब मान चलिए कल से काफी लोग अपना डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तो भैया आपका डॉक्यूमेंट भेजने से ऐसे नहीं जुड़ जाता है डॉक्यूमेंट और पैसा, जो आप लोग अभी ऐसे मत भेजो, बताया जाएगा। मैं जारी करूंगा अपना खाता खुद, अभी आज मैं डाल दूंगा फेसबुक पे, जो खाता दे रहा हूं उसमें पैसा डाल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट जो भेजे हैं डॉक्यूमेंट आपको एक अलग व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, उस पर अपना डॉक्यूमेंट मेल करिए और अपना एड्रेस जो है अमाउंट जो है खाते में डाल करके स्लिप व्हाट्सएप करिए, फिर उसके बाद जो है आइए पढ़वाएगी। और कल आपकी लोग जो जो डॉक्यूमेंट भेजे सुन लो आप लोग कान कान खोल करके कि आपका जो है कोई भी कल रिट नहीं पड़ रही ना, मैं कोई आइए कल डाल रहा हूं, क्योंकि बाकी के जो लोग बाद में बनेंगे उनके लिए अलग से नहीं डालना है, इस वजह से सबका साथ ही करके डाल दिया जाएगा। और जो 538 लोग हैं वो लोग एकदम निश्चिंत रहे, आपके हक और अधिकार की लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। कुछ चीजें आलोक भाई कहना चाहते हैं सुना जाए इनको। कल केस हमारा लगा हुआ कोड नंबर 23 में, अमरीश भाई ने बताया 45 नंबर पे लगा हुआ डेली कास्ट लिस्ट में, अधिवक्ताओं से कल मिला गया था इवनिंग में, आज भी शाम के इवनिंग में मिला जाएगा और उनसे सारी बातें डिस्कशन कर ली गई है। कल वो हमारा केस मेंशन करवाएंगे, कल की अपडेट टीम पहुंच जाएगी मॉर्निंग में कोर्ट, और वहां से अपडेट दी जाएगी केस मेंशन हुआ कैसे क्या होगा, पूरी अपडेट वहीं से दी जाएगी। कल टेकअप हो गया, अच्छी बात है, सारी चीजें वहीं से बताई जाएंगी कि क्या कैसी सिचुएशन बन रही, किस नंबर पे आता है, टेकअप होने के बाद बहस क्या होती है। आप दुआ करिए कि कल हमारा केस टेकअप हो, काउंटर के बाद एक बहस हो जाए उस पर। और याची लाभ आप लोग समझ गए होंगे, जो पहले नहीं समझते थे जब हम लोगों ने बनाए थे, बहुत लोगों ने विरोध किया हम लोगों का, मगर हम लोग पता था कि लाभ लाभ क्या होता है इसका। अभी हाल के दिनों में टेट प्रकरण पे और कई प्रकरण में आपने देखा होगा कि याची लाभ किस तरह एक एक दिन में दे दिया गया, तो ये सब सिचुएशन हम लोगों को पता थी, तभी हमारे साथ 538 याची जुड़े हुए और उनका विश्वास था, उनका आर्थिक सहयोग था, जो आज तक धरना प्रदर्शन से लेके पोस्टर बैनर से लेके सारी चीजें उनके आर्थिक सहयोग से, और जो भी हम लोग रिट हुई चाहे अरविंद वर्मा की हो, चाहे अरविंद वर्मा की याची वाली हो, चाहे 19 वाली हो, जितनी भी रिट के हुए जितने भी चीजें चलती आई हैं सब उन्हीं लोगों के सहयोग से था, और वो लोग बराबर हम लोगों से जुड़े रहते हैं ग्रुप में, और उन कभी किसी एक बंदे ने कुछ नहीं कहा, उनका पूरा विश्वास है 538 याचियों का, और एक एक पल की जानकारी उन्हें दी भी जाती है। और रही बात 69,000 की, हम आपको बता दें 69,000 आप लोग तैयारी कर रहे थे, हमारी पूरी टीम 20 तारीख तक यही थी, आखिरी डेट 20 तारीख की थी, 20 दिसंबर की, और उसके बाद आप लोग तैयारी किया, कुछ लोग उसमें पास हुए, आंसर किया ही पास हो गए होंगे, उनको बधाइयां, जो नहीं पास हुए वो लोग किस अब भी समझ जाए समझदार है, याची लाभ आगे कुछ भी हो सकता है, कैसी भी सिचुएशन बन सकती है, तो इसलिए अधिक से अधिक एक आखिरी मौका है, जो अवनीश भाई को लगा कि कुछ लोग साथ शायद गलत हो जाए तो वो सिचुएशन ना आए, इसीलिए 11 तारीख को जनरेशन मिश्र पार्क में सबको बुलाया गया है, और जो नहीं आ सकते उनके लिए भी अवनीश भाई ने बताया सारी डिटेल दी जाएगी, खाता नंबर से लेके व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हम लोग किसी को कोई भी कंडक्ट नहीं करेंगे, जितने लोग आएंगे उन्हीं को लीडिंग रिट में 538 के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो भी जैसी परिस्थिति या सिचुएशन बनेगी उसी के हिसाब से एट ए टाइम तुरंत फैसला ले लिया जाएगा। धन्यवाद। बाकी की चीजें जो है डरने की कोशिश नहीं है किसी को, आप लोग आपकी सीटें जो है सुरक्षित हैं, आपकी सीटें सुरक्षित रहेंगी। आपको जिनको याची बनना होगा उनके लिए आपको अपना शिक्षक भर्ती का अंक पत्र, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड, तीन डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप या मेल करने हैं, 3,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, और प्लस उसकी स्लिप जो है हमें व्हाट्सएप पर भेजनी है। इसके बाद जो है आपके नाम की आईए फाइल की जाएगी और वो जो है आपको उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, जो आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी, एक ग्रुप क्रिएट करके आप लोगों के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसमें आपकी सर्टिफाइड कॉपी डाल दी जाएगी, आपको एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिन लोगों को उसके बाद भी शक होगा वो जाकर के कोर्ट से कुछ पैसे लगभग 1,000 रुपए लगते हैं, सर्टिफाइड कॉपी किसी वकील से बोल करके निकलवा सकते हैं उसकी, तो आप एकदम निर्द्वंद हो जाइएगा। सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, अभी मैं आप ये वीडियो के बाद फेसबुक पे भी सारी चीजें मैं डाल दे रहा हूँ, क्या क्या चाहिए, व्हाट्सएप पे भी डाल दे रहा हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अभी आपको खाते की डिटेल व्हाट्सएप और ये सारी चीजें डिटेल भी आपको भी मिल जाएगी, लास्ट में वीडियो के लास्ट में मिलेगी, शुरू में आपने देखा ही होगा,
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। बाकी कुछ चीजें जो है आशुतोष भाई कहना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो कुछ बताने वाला था उन्नीस भैया ने बता ही दिया, आलोक जी ने कुछ बताया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिनको जिनके फोन मेरे पास भी आए कि भैया मुझे याचिका, तो मैं खुले शब्दों में कहता हूं जिसको बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान ज्यादा हैं और जो लोग आज तक धरने में नहीं आते थे वो तो महाबुद्धिमान थे, क्योंकि जब चाहे 5 अक्टूबर का विधानसभा गिरा हो, 2 नवंबर का हो, आप लोग आते नहीं थे, कहीं ना कहीं ये परिणाम उसी का है, और यदि आप लोग आते तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। ठीक, जैसा भी हुआ जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, इस मन में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, अर्थात हमारा जो 68,500 के बचे हुए पद हैं, हमें किसी भी दशा में उन पदों के लिए लड़ना है, हमारा मान पद प्रतिष्ठा सम्मान सारा उसी में लगा हुआ है, हमें किसी भी सूरत में उन पदों को भराना ही भराना है, और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।